नमस्ते जी नमस्ते क्या हाल चाल है आपके सर जी हम तो बहुत अच्छे हैं आप बताइएगा अभी बहुत बहुत बढ़िया है प्रेम से बोलेंगे राधे राधे तो आइए चलते हैं आपको लेकर अगले चैप्टर की तरफ चैप्टर का नाम है डेफिनेशंस एंटायर जीएसटी लॉ के अंदर जितनी भी डेफिनेशंस हैं उन सबको मैंने एक चैप्टर के अंदर रख दिया है जिससे कि हमें बीच बीच में रुकना ना पड़े और हमें हर शब्द का मीनिंग अच्छे से क्लियर हो अब एक बात को ध्यान से सुनिएगा यहां से क्या कोई किसी प्रकार का डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा द आंसर इज नो इसमें से जो क्वेश्चन फ्रेम होगा वो कुछ ऐसे करके कि एक न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन होगा या केस स्टडी टाइप क्वेश्चन रहा होगा और उसके अंदर हमें किसी पर्टिकुलर शब्द का मीनिंग पता होना चाहिए एट दैट टाइम टू सोल्व दैट जैसे कि सपोज uh, कीजिए एक एफओसी ट्रांजेक्शन के अंदर बता दिया कि भाई ये रिलेटेड पार्टी है नहीं है तो फैमिली मेंबर्स के बारे में जिक्र कर रखा था वहां पर तो एट दैट टाइम मुझे पता होना चाहिए कि यह फैमिली मेंबर में काउंट होता है या नहीं होता फैमिली की डेफिनेशन में आता है या नहीं आता अगर आता है तो रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन बन जाएगी और अगर ऐसा होता है तो एफओसी ट्रांजेक्शन होने के बावजूद भी वो सप्लाई बना दी जाएगी तो क्या हमें इन डेफिनेशन को बाई हर्ट लर्न करना है जी नहीं क्या इन डेफिनेशन को बाई हर्ट लर्न करना है जी नहीं फिर क्या करना है हमें शब्द का मीनिंग पता होना चाहिए दैट इट सो दैट वी कैन अप्लाई दैट मीनिंग इन ए पर्टिकुलर क्वेश्चन इज इट ओके यस तो पहला वर्ड आता है एक्शनेबल क्लेम का एक्शनेबल क्लेम मतलब अपने कॉन्टेंजेंट एसेट्स हो जाती हैं जिनका भविष्य में नहीं पता कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा जिसमें अनसिक्योर्ड डेट्स हो जाते हैं पेंडिंग लिटिगेशन हमारे हो जाते हैं लाइक दैट जीएसटी की दुनिया में इनको गुड्स की तरह ट्रीट किया जाता है और आगे चलकर जब सप्लाई पर आते हैं तो वहां देखने को मिलता है लॉटरी बैटिंग और गैम्बलिंग ये जो एक्शनेबल क्लेम है ये तो आगे चल के आपका सप्लाई बनता है और जीएसटी भी लगाया जाता है रेस्ट ऑफ द फॉर्म ऑफ एक्शनेबल क्लेम जो होते हैं उनको सप्लाई नहीं माना जाता है गुड्स तो हैं बट सप्लाई नहीं माना जाता और उस पर जीएसटी नहीं लगाया जाएगा ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि पुराने समय में ऐसा ही होता था लॉटरी बैटिंग गैम्बलिंग पर टैक्स लगता था लेकिन बाकी फॉर्म ऑफ एक्शन क्लेम पर टैक्स नहीं लगता था तो पुरानी पोजीशन को रिस्टोर करते हुए इन्होंने ऐसा यहां पर फैसला ले लिया है एड्रेस ऑफ डिलीवरी डिलीवरी का एड्रेस क्या रहेगा तो इसमें बोलते हैं कि एड्रेस ऑफ द रेसिपियंट ऑब डिलीवरी वर्ड की बात कर रहे हैं तो रेसिपियंट की प्रोमाइस पर डिलीवरी दी जाती है और जो कि इनवॉइस के अंदर लिखा हुआ होता है प्लेस ऑफ सप्लाई चैप्टर के अंदर इस शब्द की जरूरत पड़ती है एड्रेस ऑन रिकॉर्ड इसकी भी प्लेस ऑफ सप्लाई में जरूरत पड़ेगी एंड उसमें यह बताया जाता है कि अगर आपको रेसिपियंट का एड्रेस पता है तो उसकी लोकेशन पर ही प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाता है एड्रेस किसका एड्रेस रेसिपियंट का एड्रेस किसके रिकॉर्ड में सप्लायर के रिकॉर्ड में है तो यहां पर लिखा हुआ है कि का एड्रेस सप्लायर के रिकॉर्ड में एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी क्या होती है एक तरफ जैसे नॉर्मली हम लोग बोल देते हैं कि यहां पर डिपार्टमेंट होता है यहां पर अपना ये टैक्स पेयर हो जाता है ठीक है साहब एंड डिपार्टमेंट को समझाने बुझाने का काम कौन करता है जब झगड़ा पड़ जाता है तो यहां अपना सी बी आई सी आ जाता है मालिक और इसको अगर कोई डाउट आता है तो ये किसके पास में जाता है एडवांस रूलिंग अथॉरिटी के पास में मैंने हमेशा से ये कहा है कि डिपार्टमेंट इन द कैपेसिटी ऑफ वाइफ एंड ये है यहां पर हस्बैंड तो कहते हैं कि मां सिखाती है इसकी तो ये मां ही है इसके ऐसे मान के चलिए इसको सीख देती है और ये माँ की सीख मानने के लिए बाउंड होते हैं लेकिन सासू मां की सीख मानने के लिए बाउंड नहीं होते हैं इनके अब्बा अब्बाजान है तो यहां से ये यह पूछ लेते हैं अब्बा जान जो बोलेंगे उससे ये भी बाउंड होते हैं और ये भी यहाँ पर बाउंड करा दिए जाते हैं इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर असैसी तो ऐसे करके व्यवस्था बना रखी है अब यहां पर आकर बोलते हैं कि जो डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट का मतलब क्या वो व्यक्ति जो एक कॉम्पिटेंट uh, होते हैं एक ऑर्डर पास करने के लिए असिस्टेंट डिप्टी एडिशनल ये सारा का सारा जो खेमा है इनको यहां पर बोल दिया जाता है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी जो एडजुडिकेट करती है असेस करती है टैक्स लाइबिलिटी एंड अदर ड्यूज को ठीक है एंड वट अबाउट सर लाइक अपलेट बॉडी देखिए जब इनके बीच में झगड़ा हो जाता है तो फिर ये जाते हैं उसको सुलटाने के लिए अपलेट अथॉरिटी के पास में जाते हैं ट्राइब्यूनल के पास में जाएंगे फिर हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट क्या ये भी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी का पार्ट होता है जी नहीं ये अलग चला जाता है माना कि जो पहला वाला अधिकारी ये भी एक टैक्स डिपार्टमेंट का ही अधिकारी होता है लेकिन इसके फंक्शन चूंकि अलग होते हैं इसलिए इसे एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी का पार्ट नहीं है इसकी अपलेट बॉडी में काउंट किया जाता है तो यह है आपकी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी और बाकी सब एडजुट एडुडिकेटिंग अथॉरिटी नहीं है वही सब यहां पर लिखा हुआ है कॉम्पिटेंट टू पास एन ऑर्डर और कौन कौन नहीं है ये 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 सब आपके यहां पर नहीं होते हैं एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी एजेंट कौन होता है जो अपने प्रिंसिपल के बिहाव पर काम करता है अगर मान लीजिए मैं अपने हाथ में इस रिमोट को बांध लेता हूं और इसे बांधकर किसी को ऐसे लगा देता हूं तो सामने वाला सजा इसको देगा या मुझे देगा मुझे देगा मैं प्रिंसिपल और ये मेरा एक एजेंट है एजेंट इज एन एक्सटेंडेड आर्म ऑफ द प्रिंसिपल इसके हर अच्छे बुरे काम के लिए मैं जिम्मेदार यहां पर हो जाता हूं तो एजेंट वो जो अपने किसी अनदर व्यक्ति के बिहाफ पर काम करता है उसे एजेंट कहा जाता है और इसकी जरूरत पड़ती है सप्लाई वाले चैप्टर में जब प्रिंसिपल एजेंट कुमार भेजता है तो एफओ सी होने के बावजूद भी सप्लाई बना दिया जाता है नाम कुछ भी हो सकते हैं कमीशन एजेंट आढ़तिया कमीशन ये भी एक एजेंट ही होता है लेकिन उसका कमीशन थोड़ा सा ज्यादा होता है क्योंकि ये अपने प्रिंसिपल को इश्योर करता है कि टाइम पर पेमेंट होगा विद जीरो परसेंट बेड डेट्स तो ऐसे करके यहां पर बात आ जाती है एग्रीगेट टर्न किसे कहते हैं एग्रीगेट टर्नओवर में सब कुछ आ जाता है वाइज क्लबिंग की जाती है एक पेन से लिंक आपके जितने भी रजिस्ट्रेशन है सबको एड किया जाएगा ऑल इंडिया बेसिस पर क्लबिंग होगी और क्या देखेंगे भला ऑल आउटवर्ड आउटवर्ड सप्लाई वो होनी चाहिए और सप्लाई की डेफिनेशन को क्वालिफाई करनी चाहिए उसको छोड़ेंगे नहीं चाहे ये एनसीएम की है आरसीएम की है इंट्रा है इंटर है एक्सपोर्ट है वट कुछ भी है आउटवर्ड है और सप्लाई है बस आगे मत पूछना सब जुड़ जाएगा लेकिन इनवर्ड सप्लाई इनवर्ड सप्लाई को छेड़ेंगे नहीं इसको छोड़ेंगे नहीं इसको छेड़ेंगे नहीं चाहे ये एनसीएम की हो आरसीएम की हो इंट्रा हो इंटर हो एस हो ऐसे करके यहां पर हम बात करके चलते हैं विशेष बात ध्यान में रखनी है यहां पर वैल्यू का मतलब असेसिबल वैल्यू से होता है असेसिबल वैल्यू क्या होती है जिसमें जीएसटी और कॉम्पनसेशन से छोड़कर बाकी जो टैक्सेस होते हैं वो इसके अंदर जुड़े हुए रहते हैं तो यहां एग्रीगेट टर्नओवर निकालते समय भी हम उसको जोड़ के चलेंगे टबैको की वैल्यू सौ रुपए की दस रुपए की मानो एक्साइज ड्यूटी लगी एक सौ दस रुपए। दिस इज असेसिबल वैल्यू एंड दिस वन हंड्रेड टेन रूपीज विल बी काउंटेड इन कैलकुलेशन ऑफ एग्रीगेट टर्न राइट यस जॉब वर्कर को सप्लाई जॉब वर्कर को ट्रांसफर किया हमने माल क्या ये सप्लाई बनता है नहीं बनता ये एग्रीगेट टर्नओवर का हिस्सा नहीं बनाया जाएगा ऐसे करके सारी बात आपकी यहां पर लिख दी जाती है डेफिनेशन के अंदर आकर ये डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन मैंने आपकी यहां पर दी हुई है हर प्रकार की सप्लाई आपकी यहां पर मालिक ये ऐसे करके आ जाती है और इनवार बिल्कुल भी नहीं आती जॉब वर्कर को भेजा ये बिल्कुल भी नहीं आएगा लेकिन जॉब वर्कर के यहां से आपने माल को बेच बाच दिया आप कौन जो भेजने वाला था यानी जो मेन पर्सन था इसने बेच दिया तो ये इसका टर्नओवर है इसके हैंड में क्लब कर दिया जाएगा करेक्ट एग्रीकल्चरिस्ट कौन होता है वो व्यक्ति जो एक्टिव या पैसिव मोड में खेती बाड़ी करता है उसे यहां पर हम लोग एग्रीकल्चरिस्ट का नाम देकर चलते हैं एक्टिव मोड में खुद खेती बाड़ी करता है या परिवार के जो सदस्य हैं वो खेती बाड़ी में एंगेज हैं एक्टिवली दूसरा कि ना तो वो खुद खेतीबाड़ी करता है ना परिवार के लोग खेतीबाड़ी करते हैं बल्कि वो मजदूरों से काम करवाता है और मजदूरों को सुपरवाइज एंड कंट्रोल वो खुद करता है या परिवार के सदस्य करते हैं इसे बोलते हैं पैसिव खेतीबाड़ी करना तो एक्टिव हो या पैसिव हो दोनों की बात करते हैं और जीएसटी के लिहाज से देखा जाए तो ये हमारा टैक्सेबल पर्सन नहीं होता है तो इसका मतलब एग्रीकल्चरिस्ट कुछ भी सप्लाई करके चलेगा तो उस पर जीएसटी की बात हम नहीं करके चलेंगे ऐसे करके बोल दिया जाता है सर अगर एग्रीकल्चरिस्ट दुकान चलाए तो क्या उस पर भी जीएसटी नहीं लगेगा मेरी बात समझिएगा हर व्यक्ति अलग अलग कैपेसिटीज में होता है एक जगह पर वो बेटे की भूमिका में होता है कहीं पर वो पति की भूमिका में होता है कहीं पर वो पिता की भूमिका में होता है तो ऐसे ऐसे करके अलग अलग मल्टीपल कैपेसिटीज हमारी होती हैं तो जब वो एग्रीकल्चरिस्ट की कैपेसिटी में रहकर काम कर रहा है तो वहां जीएसटी नहीं लगेगा लेकिन खाद बीज की शहर में दुकान करता है तो वहां तो जीएसटी अपना आ जाएगा क्योंकि वहां पर वो किसान नहीं दुकानदार है लाला जी हैं सेठ जी हैं ऐसे करके और मजे की बात यह है कि उसकी अगर हम ये देखना चाहते है कि उसका या नहीं होना है ऐसे करके आगे बता दिया जाता है फैमिली किसे कहते हैं फैमिली की परिभाषा भी यहीं पर बता दी गई है और फैमिली में आ जाते हैं बाबू हम दो हमारी दो यानी हम दो मतलब मैं और पत्नी और दो दो, दो, हमारे तो बच्चे ज्यादा भी हो सकते हैं लेकिन जितने भी बच्चे हैं सारे के सारे आ जाते हैं तो बच्चे तो ऑलवेज हमारी फैमिली का हिस्सा होंगे लेकिन हमारे माता पिता बच्चे तो ऑलवेज फैमिली है नीचे देखोगे तो ऑलवेज फैमिली है लेकिन ऊपर देखोगे तो ऊपर देखोगे माता पिता भाई बहन आजू बाजू देखोगे तो तो अगर ये आपके ऊपर मेनली डिपेंडेंट हैं तो आपकी फैमिली का हिस्सा बनेंगे अदरवाइज आपकी फैमिली का हिस्सा ये नहीं बनने वाले हैं अपलेट अथॉरिटी क्या होती है अपलेट अथॉरिटी जो ए ए बोल देते हैं पहली अपलेट अथॉरिटी होती है जिसके अगेंस्ट हम जाते हैं अपना डिमांड ऑर्डर लेकर तो उससे बोल देते हैं अपलेट अथॉरिटी जिसके अभी हम कुछ देर पहले बात भी कर रहे थे अपलेट ट्रिब्यूनल जीएसटी अपलेट ट्रिब्यूनल असेसमेंट का मतलब क्या होता है एक लड़की थी दीवानी सी गलियों से गुजरा करती थी शायद कहना था कुछ उसको जाने किससे डरती थी जब भी मिलती थी मुझसे तो पूछती थी, थी कि असेसमेंट कैसे होता है मैं सिर्फ यही कह पाता क्या डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स लाइबिलिटी एज पर लॉ जो होता है उसे असेसमेंट कहा जाता असेस करना डिटर्मिन करना कैलकुलेट करना वैल्यू करना टैक्स लाइबिलिटी को असेसमेंट कहा जाता है इसके अलग अलग रूप हो सकते हैं जैसे कि खुद से प्यार करना यानी कि सेल्फ असेसमेंट रीअसेसमेंट दूसरा प्यार हो गया प्रोविजनल असमेंट कच्चा कच्चा प्यार मैं तुमसे प्यार तो करती हूँ पर एज ए फ्रेंड कच्चा कच्चा हो गया तो ये इसके अलग अलग रूप यहां पर आकर हो सकते हैं एक फटाफट वाला प्यार होता है जिसे समरी असेसमेंट के नाम से हम लोग जानकर चलते हैं एक बे जजमेंट होता है जिसे एक तरफा प्यार बोल दिया जाता है तो असेसमेंट मतलब प्यार एसोसिएट एंटरप्राइजेस किसे कहते हैं इसकी जरूरत पड़ती है टाइम ऑफ सप्लाई चैप्टर के अंदर और इसका जो मीनिंग है वो यहां नहीं बताया गया है इनकम टैक्स के सेक्शन 92 कैपिटल ए के अंदर इसका मीनिंग समझाया गया है ऑडिट का मतलब ही होता है और क्या होता है समझा रखा है कि जब हम चलान क्रिएट करते, तो कर करते हैं तो कैसे जाकर जीएसटी का पेमेंट करते हैं पोर्टल पर प्रैक्टिकली चीजों को सिखा भी रखा है उसी की थ्योरी आपकी यहाँ पर लिखी हुई है ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव कौन होता है इसे बोलते हैं परछाई परजाई नहीं परछाई परछाई जो होती है शेडो जो होती है उससे बोलते हैं कि जहां पर हम नहीं जा सकते, हमारी परछाई वहां पर चली जाएगी वैसे करके जहां ना जा सके रवि वहां पहुंच गए कभी रवि मतलब सूरज मीन्स रिप्रेजेंटेटेड एज रेफर टू इन सेक्शन वन वन सिक्स ये अपील के चैप्टर में आता है सेक्शन वन वन सिक्स बताया जाता है दैट इज अ पर्सन ऑथोराइज ऑन वंस बिहाव टू अपील बिफोर जीएसटी ऑफिसर अथॉरिटी में हमें रिप्रेजेंट कर सके बोलते हैं ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव वकील साहब भी तो कोर्ट में हमारे ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो हमें रिप्रेजेंट करते हैं कोर्ट में जाकर बोर्ड का मतलब हो गया CBI सी बोले तो माँ और बिजनेस का मतलब बिजनेस में लगभग हर प्रकार की एक्टिविटीज आ जाती है देखना चाहो तो पढ़ के देख सकते हो वरना जरूरत नहीं है डेफिनेशन की <coughs> उसके बाद में आते हैं कैपिटल गुड्स अपने बिजनेस यूज के लिए चाहे आज यूज करो चाहे भविष्य में यूज करो इंटेंडेड फॉर बिजनेस यूज जो भी आप खरीद के ला रहे हैं बस उसका नेचर चेक करो कि वो एक्सपेंडिचर कैसा है रेवेन्यू है या कैपिटल है अगर वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है तो वो आपका कैपिटल गुड्स यहां पर बना दिया जाएगा पर ध्यान दीजिएगा बिल्डिंग खरीदी है तो वो भी आपका कैपेक्स ही होता है लेकिन वो गुड्स नहीं होती बिल्डिंग क्योंकि इमूवेबल होती है तो गुड्स के लिए जो आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर किया है वो कहा जाता है आपका कैपिटल गुड्स तो जो कैपिटलाइज कर रहे हैं बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर एंड यूज और इंटेंडेड टू बी यूज फॉर बिजनेस है अब इसी में ये लाइन तो सेम है यूज और इंटेंडेड टू बी यूज अब इसमें अगर जो आपका गुड्स के लिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर था उसे बोल दिया जाता है आपका इनपुट्स और जो भी सर्विस आप बिजनेस पर्पज के लिए सेम वर्डिंग्स है ले रहे हैं उनको बोल दिया जाता है इनपुट सर्विसेज और जब ये कैपिटल गुड्स इनपुट या इनपुट सर्विस बन जाते हैं तो हमें उसका जो जीएसटी भर के आए थे उसका आईटीसी अवेलेबल हो जाता है विच कैन बी यूज फॉर द पेमेंट ऑफ आउटपुट जीएसटी लैबिलिटी आगे है कैजुअल टैक्सेबल पर्सन कब आएगा मेरे बंजारे तो ये लोग वैसे होते हैं जो उठाई गिरी मतलब उठाई गिरा तो नहीं कहेंगे इनको बोलते हैं कि ये अलग अलग जगहों पर एक स्थायी ठिकाने पर बैठकर काम नहीं कर रहे हैं ये अलग अलग जगहों पर जाते हैं हमारा देश मेलों का देश है कभी सूरज कुंड का मेला कभी कुंभ का मेला कभी दिल्ली का ट्रेड फेयर हो गया कभी ऑटो एक्सपो हो गया तो यहां यहां जाकर ये अलग अलग जगहों पर जाकर अलग अलग स्टेट्स में जाकर अपना कारोबार करते हैं और मान लीजिए जिस स्टेट में कारोबार करने के लिए जा रहे हैं वहां पर उस स्टेट में इनका कोई स्थायी ठिकाना नहीं है तो फॉर दैट पर्टिकुलर स्टेट इनको स्टेटस दिया जाता है कैजुअल टैक्सेबल

उसमें आगे बात करी जाती है कि भाई आ, ये बताइए जरा कि और क्या प्रोविजन है अब चूंकि कुछ समय के लिए इंडिया में आया है तो इसलिए बोलते हैं कि भैया एडवांस में आपको पेमेंट करके चलना है फाइव डेज इन एडवांस फाइव डेज इन एडवांस आपको रजिस्ट्रेशन कराना है जब हम रजिस्ट्रेशन कराने के लिए जाते हैं तो वहां पर टीआरएन जनरेट होता है टीआरएन जनरेट होने के बाद ही जब आगे बढ़ता है तो वही बोल देते क्या तू कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है अगर हा है तो ठीक है आपको एडवांस में एस्टिमेटेड नेट जीएसटी लाइब्रिटी का पेमेंट करना पड़ेगा नेट का मतलब योर आउटपुट ग्रॉस माइनस योर एस्टिमेटेड आईटीसी जो भी नेट निकल के आ रहा वो आपको कैश में जमा करना पड़ जाता है

उसके बाद में पढ़कर देख लेते हैं क्या लिखा है डेज विच आर नॉट डिक्लेयर्ड एज गस्टे फॉर सेंट्रल या स्टेट या यूटी के लिए दैट इज कॉमन फॉर ऑल मतलब जो दोनों के लिए वर्किंग हो सेंट्रल गवर्नमेंट और उस पर्टिकुलर स्टेट के लिए जिसकी हम बात कर रहे हैं तो उसे कॉमन वर्किंग डे के नाम से बुलाया जाता है सीएस मतलब कंपनी सेक्रेटरी हो गया कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का मतलब हो गया जैसे कि हम कोई लाइक बिल्डिंग बना रहे हैं तो उसका कंप्लीशन सर्टिफिकेट हमें लेना होता है कंप्लीशन सर्टिफिकेट के आधार पर ही बिल्डिंग को कंप्लीट माना जाता है और उसी के बेसिस पर यह तय किया जाता है कि जो सेल हुई है डील हुई है एक अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी की हुई है अगर हां तो उसे डीम्ड सप्लाई ऑफ सर्विस मानते हैं और कंप्लीट सर्टिफिकेट मिलने के बाद डील हो रही है तो फिर उसे हम मान के चलते हैं कि भाई, property, फिर वो ही नहीं बनती है, तो जब टू और मोर टैक्सेबल सप्लाई जो पीएनटी को फुलफिल करती है उसे कंपोजिट सप्लाई बोल देते सप्लाई <coughs> मतलब हो नेचुरली बंडल रही हो और उस बंडल के अंदर एक आपकी जो सप्लाई है इधर मैं पूरे कंसंट्रेशन के साथ पढ़ा रहा हूं तो आपको भी कंसंट्रेशन पूरा होना चाहिए तो वहां पर एक सप्लाई जो है वो आपकी प्रिंसिपल सप्लाई होनी चाहिए अगर ऐसा है तो फिर उसे हम कंपोजिट सप्लाई के नाम से जानकर चलते हैं लिखा है क्या भला मेड बाय टैक्सेबल पर्सन टू रेसिपिएंट टू और मोर टैक्सेबल सप्लाई है एंड uh, <laughs> जो नेचुरली बंडल है पी एन टी और टैक्सेबल सप्लाई हो गई ये हो गई और उसमें से एक सप्लाई आपकी प्रिंसिपल है तो फिर उसे हम कंपोजिट बोल देते हैं यहां पर कुछ इलेट्रेशन दे रखे हैं और सेक्शन नंबर आठ के मुताबिक इसका जो क्लासिफिकेशन जाता है वो प्रिंसिपल सप्लाई की तरफ मूव कर जाता है ये बात हम अच्छे से जानते हैं फिर आता है कंसिडरेशन कंसिडरेशन का मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न बदले में कुछ भी समथिंग समथिंग नथिंग नथिंग रमैया वस्तावैया तो यहां पर आकर बोलते कुछ भी बदले में जो आ रहा होगा उसे हम कंसिडरेशन के नाम से बुलाकर चलते हैं अब ये आपका मॉनेटरी फॉर्म में हो सकता है या नॉन मॉनेटरी फॉर्म में हो सकता है किसी फॉर्म में लेकिन वापस आना चाहिए कुछ ना कुछ दिखने वाला हो या ना दिखने वाला हो या एहसास करो समथिंग इन रिटर्न कुछ भी अलॉट के आना चाहिए उसके बाद क्वेश्चन आया कि क्या गवर्नमेंट सब्सिडी जी नहीं गवर्नमेंट सब्सिडी को हम चैप्टर में एक्सक्लूड करके चलते हैं तो यहां पर उसे कंसीडरेशन बोलने का कोई लॉजिक नहीं बनता उसे हम यहां पर कंसीडरेशन नहीं बोलेंगे लेकिन जो नॉन गवर्नमेंट की सब्सिडी है उसे जरूर यहां पर कंसीडरेशन के नाम से बुला दिया जाएगा ऐसे करके मालिक बात करी जाती है दूसरा जो सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है तो क्या सिक्योरिटी डिपॉजिट को हम लोग यहां पर <laughs> नहीं नहीं सर सिक्योरिटी डिपॉजिट अमानत होती है कंसीडरेशन नहीं होता है उसे यहाँ पर कंसीडरेशन नहीं माना जाएगा लेकिन हाँ लास्ट कुछ महीनों में अगर सिक्योरिटी डिपॉजिट को अगेंस्ट कंसीडरेशन एडजस्ट कर लिया जाता है तो फिर वो कंसीडरेशन का हिस्सा बन जाएगा एंड लाइबल टू पे टैक्स हो जाएगा रेसिपियंट किसे कहते हैं बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने वाली डेफिनेशन है रेसिपियंट वो व्यक्ति होता है जो लाइबल टू पे कंसिडरेशन यहां पर हो जाता है जिसके नाम पर हम बिलिंग करके चलते हैं लेकिन अगर कंसीडरेशन नहीं होता है तो जिस व्यक्ति को हम गुड्स डिलीवर कर रहे हैं या सप्लाई सर्विस रेंडर कर रहे हैं उस व्यक्ति को रेसिपियंट बोल दिया जाता है क्लास ली आपने लेकिन पेमेंट कर दिया फर्म ने पिताजी की फर्म ने कर दिया तो रेसिपियंट मेरे लिए पिताजी की फर्म है मैं बिलिंग उनके नाम पे करूंगा पेमेंट मेरा वहां से आएगा हाँ आपको क्या नाम दिया जाए आपको नाम दिया जा सकता है एक्चुअल रेसिपियंट नॉट रेसिपियंट ठीक है उसके बाद आगे बढ़ते हैं मालिक उसमें आता है कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स ये हम देखेंगे प्लेस ऑफ सप्लाई के चैप्टर में चलो यही देख लेते हैं सप्लाई ऑफ गुड्स का मतलब ये हो गया कि जहां पर सप्लाई की जा रही है कंटिन्यूअस तरीके से की जा रही है या रिकरेंट बेसिस पे की जा रही है जैसे कि घरों के अंदर जो एलपीजी uh, गैस होती है उसकी सप्लाई की जाती है पाइपलाइन के थ्रू की जा रही है वो किसी भी मीडियम से की जा सकती है उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है तो ऐसे करके लाइफ के बारे में या कुछ नहीं दे रखा हालांकि सप्लाई ऑफ सर्विस की जब बात करते हैं तो वहां लाइफ को डिसाइड किया गया कि तीन महीने से ज्यादा की लाइफ होनी चाहिए लेकिन यहां पर लाइफ के बारे में कोई बात नहीं कर रखी और हाँ जो पेमेंट है वो आपकी पीरियोडिकली होनी चाहिए यानी कि इनवाइसिंग आपकी पीरियोडिकली होनी चाहिए तो जो एलपीजी गैस उसमें सारे लक्षण लच्छड़ियां पाए जाते हैं इसलिए उसे हम कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स के नाम से बुला सकते हैं इसके अलावा इन कंडीशन के अलावा सरकार किसी भी सप्लाई को बोल सकती है सप्लाई ऑफ गुड्स नोटिफाई नोटिफाई करके हालांकि अभी कुछ ऐसा उन्होंने नहीं कर रखा है सप्लाई ऑफ सर्विस की परिभाषा सेम है, months, उसे है करके उसके बाद इस सर्विस की जरूरत कहां पड़ती है इनवॉइस का चैप्टर आएगा ना वहां जाके देखेंगे कि इसका जो इनवॉइसिंग के लिए बताते हैं कि भाई Uh, कैसे कैसे आपको कहां पर इन्वॉइसिंग करके चलनी होती है तो इसमें हम बीच में पेमेंट ड्यू पेमेंट मेड या माइल स्टोन जहां पर बीच में कट मारते हैं उस पॉइंट पर आपको इन्वॉइस रेज करना पड़ जाता है उसी के अकॉर्डिंग फॉर आपका टाइम ऑफ सप्लाई भी निकाला जाता है कन्वेंस का मतलब सभी प्रकार के कन्वेंस यहाँ पर आ जाते हैं कॉस्ट अकाउंटेंट मतलब सेम काउंसिल का मतलब आपका टू कैपिटल ए के अंदर जो आर्टिकल है उसमें बता रखा है जीएसटी काउंसिल क्रेडिट नोट का मतलब अब मैंने आज यहां पर कोई इनवॉइस इश्यू कर दिया है और मुझे पता लगा कि यार ये इनवॉइस कम वैल्यू का था इसकी वैल्यू को बढ़ाना है जैसे कोई व्यक्ति दुबला पतला सा उसको मोटा करना है तो मोटे होने की दवा बाजार से आती है दवाएं खाएगा तो यहां पर अगर इनवॉइस की वैल्यू को बढ़ाना है अपग्रेड करना है ज्यादा करना है तो हम पॉजिटिव फैक्टर वाला डेबिट नोट यहां पर लेकर आ जाते हैं कि भाई चलो भाई चलो तो ये सबसे पहले क्या करता है कि इनवॉइस की वैल्यू को बढ़ा देता है उसके बाद जब ये सप्लायर जीएसटीआर वन के थ्रू अपने दिखाएगा पोर्टल पर अपडेट करेगा तो ये इसकी सप्लायर की लाइबिलिटी को बढ़ा देगा जब टू के माध्यम से सामने वाली पार्टी पर पहुंचेगा तो वो वहां पर जाकर जो रेसिपियंट है उसके आईटीसी को बढ़ा देगा यानी जहां पर जाएंगे पॉजिटिविटी ही फैलाएंगे बढ़ाएंगे ही बढ़ाएंगे इसके अपोजिट आता है आपका क्रेडिट नोट करके जहां पर ये बोला जाता है कि भाई जब कोई ज्यादा मोटी वैल्यू का आपका इन्वॉइस चला गया था किसी भी वजह से

एज ऑफ ना पहले ट्वेंटी अक्टूबर थी अभी क्या नवंबर थर्टीबर नवंबर ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर और एनुअल रिटर्न की डेट विच एवर इज जो अपनी अर्लियर होती है उसकी लास्ट डेट यहां पर आकर बना दी जाती है तो ये पूरा परफॉर्मा मैंने यहां पर बता रखा है कि आप ऐसे करके इसको देख सकते हैं मालिक आगे है यहां पर डीम्ड एक्सपोर्ट किसे कहा जाता है तो डीम्ड एक्सपोर्ट में आ गया देखो एक तो होता है एक्सपोर्टर जो इंडिया के बाहर सप्लाई करता है तो उसे बोल देते हैं हम एक्सपोर्टर ठीक है और एक एक्सपोर्ट बोलते हैं जीरो रेट के नाम से भी उसको जाना जाता है लेकिन एक्सपोर्टर को सप्लाई करना जैसे कि हंड्रेड परसेंट को सप्लाई कर देना या फिर ई एस टीपी एस टीपी बायोटेक्नोलॉजी पार्क बीटीपी इनको एक्सपोर्टर्स को बेसिकली अगर हम सप्लाई करते हैं तो उसे डीम्ड एक्सपोर्ट माना जाता है और इन व्यक्तियों को भी अकॉर्डिंगली बेनिफिट दिए जाते हैं डेजिग्नेटेड अथॉरिटी नो रेलिवेंस जिक्र ही नहीं किया गया है डॉक्यूमेंट एनी फॉर्म मतलब हैं अच्छे से आप ई कॉमर्स का मतलब सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस ओवर द वेबसाइट और इंक्लूडिंग डिजिटल प्रोडक्ट तो इसको हम ई कॉमर्स बोलते हैं ई कॉमर्स ऑपरेटर अमाजॉन फ्लिपकार्ट हो गए लेजर ऑलरेडी बता चुके हैं एक्जाम सप्लाई में तीन आपके आते हैं तीन में आते हैं कि वो जो 100 की एग्जामेशन नोटिफिकेशन का शिकार है नंबर दो जो आपका नील रेटेड है वो आ जाता तीसरा आपका जो नॉन टैक्सेबल है शराब पेट्रोल डीजल ये सब आपके आ जाते हैं ये तो रहा सब के लिए आई चैप्टर के लिए एग्जेड सप्लाई का मीनिंग को एक्सटेंड किया गया है उसमें इन तीन के अलावा और बताया जाता है कि देखिए अगर आप लाइक like, कुछ और काम कर रहे हैं लाइक जैसे आपने कंप्लीटेड प्रॉपर्टी की सेल कर दी है तो उसको भी एग्जम्प्ट सप्लाई माना जाएगा सो दैट वी कैन डिसअलाउ द करस्पोंडिंग आईटीसी हालांकि उसका वैल्यूएशन किया जाता है सर्कल रेट के हिसाब से दूसरा आरसीएम के अंदर जो सप्लाई की जाती हैं उनको भी आईटीसी के डिसअलाउंस पर्पस के लिए मान के चलते हैं हम लोग एग्जम्प्टेड सर्विसेज एंड उसके बाद एक और आपका आता है निकल के वहां पे सिक्योरिटीज <clears throat> वाला पॉइंट कि उसमें 1% के हिसाब से उसको हम एग्जाम सप्लाई ट्रीट करके चलते हैं सो दैट वी कैन डिस अलाउ द करस्पॉन्डिंग क्रेडिट उसके बाद अपना जी ये आया एग्जिस्टिंग लॉ मतलब पुराना लॉ फैमिली का मतलब बता चुके हैं फिक्स्ड एस्टैब्लिशमेंट मतलब ब्रांच ऑफिस हो गया अपना फंड गुड्स गवर्नमेंट ये सब छोटी छोटी बातें निकल चुकी इंडिया का मतलब सब जानते हैं जो लैंड पार्ट ऑफ इंडिया वो सारा का सारा गया ऑल यूटीज ऑल स्टेट एंड सब कुछ यहां पर शामिल कर लेते हैं समंदर में चलते हैं बारह नोटिकल माइल तक का आसमान भी और जमीन सब हमारा ही है उसके बाद जो बारह नोटिकल माइल के बाद का जो एक नोटिकल माइल है यानी अगर बेस लाइन से काउंट करूंगा तो दो नोटिकल माइल तक जाएगा तो उसके जो बियॉन्ड का टी बियॉन्ड का जो माइल है है वो बोला जाता एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन और मारोगे तो कॉन्टिनेंटल शेल्फ के नाम से जानते हैं उसके अंदर जो ऑयल रिक्स होते हैं <coughs> उनको बोला जाता है डीम्ड इंडिया और डीम्ड इंडिया तो बोलते हैं लेकिन उसे आप कस में कवर करके चलोगे अगर मान लीजिए वहां पे रहकर ओ एनजीसी काम कर रही है तो रजिस्ट्रेशन कौन से स्टेट में करा के चलेगी तो क्योंकि वो

मतलब यहाँ पर ये यह बच्चे हो गए इसके चाहे वो गुड्स डील कर रहे हैं चाहे सर्विस में डील कर रहे हैं यहाँ पप्पा हो जाते हैं तो पप्पा दाना लेके आते हैं और बच्चे उस दाने को चुकते हैं तो यहाँ पर आकर थर्ड पार्टी से सर्विस यहाँ दी जाती है बिलिंग वहां कर दी जाती है फिर इस बिल के बदले एक बिल आगे यहां पर एलोकेट कर दिया जाता है कॉस्टिंग में भी इस तरह की बातें आप पढ़ के चलते हैं तो बिल के बदले में बिल दे तो ऐसे बेसिस में बोला जाता है कि भाई आई का कॉन्सेप्ट है कभी कभी इसका, इसका इस्तेमाल किया जाता है कि जब क्रेडिट ना मिल पा रहा हो किसी वजह से तो वहां पर आईएसडी कॉन्सेप्ट को यूज कर लिया जाता है ये बेसिकली कन्वर्टर का काम का का करके चलता है कि यहां से जिस सीजीएसटी एसजीएसटी का लग के आ रहा है तो उसे आईजीएसटी बनाने की पावर आईएसडी को दे रखी होती है आईटीसी के चैप्टर में आएगा सेक्शन नंबर ट्वेंटी एंड ट्वेंटी वन वहां पर चलकर हम इसकी बात करके चलेंगे इनपुट टैक्स क्या है इनवर्ट सप्लाई जानते हो इनवर्ट सप्लाई से जो, जो जन्म लेगा चाहे वो एनसीएम की हो चाहे आरसीएम की हो. उससे जो जन्मेगा उसे यहाँ पर इनपुट टैक्स के नाम से जाना जाएगा और चाहे वो एनसीएम की आरसीएम की हो या फिर इंपोर्ट ऑफ गुड्स अगर हम करके चल रहे हैं तो वो भी हमारी इनवर्ट सप्लाई ही होती है उस पर जो हम आईजीएसटी गवर्नमेंट को पे करके आते हैं कस्टम डिपार्टमेंट को उसको भी इनपुट टैक्स कहा जाता है इनपुट टैक्स जैसे कली आगे चलकर फूल बन जाती है ऐसे इनपुट टैक्स आगे चलकर आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट बन जाता है विच कैन यूटराइज फॉर द पेमेंट ऑफ आउटपुट जीएसटी एस पर सेक्शन फोर्टी नाइन इनपुट हो गया सप्लाई 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 वो और ले रहे उसे बोल देते हैं जॉब वर्क का क्या मतलब है मैंने एग्जांपल दिया था कि अगर मान लीजिए हम कोई कपड़ा लिया व्हाइट कलर का सूट के मैच का दुपट्टा रंगवाने के लिए जाना है तो हम एक रंगरेजा के पास में जाते हैं तो हम उस रंगरेजा को रंगाई करने वाले को दुपट्टा बेचते नहीं भेजते हैं उस पर रंगाई करता है रंगाई में अपने में किया जाता है। दूसरी बात यह की कैसे मतलब जब कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के गुड्स के ऊपर काम करता है तो उसे यहां पर बोल दिया जाता है जॉब वर्क और जो व्यक्ति ये काम कर रहा है अकॉर्डिंगली उसे जॉब वर्कर का नाम दे दिया जाता है तो कोई किसी प्रकार का ट्रीटमेंट हो प्रोसेस हो अंडरटेकन बाय ए पर्सन

वहां पर यह बताया जाता है कि भाई देखिए रेसिपिएंट की लोकेशन क्या होगी सबसे पहले देखो उसका बिजनेस प्लेस वो ना मिले तो रेजिडेंशियल प्लेस बिजनेस प्लेस के अंदर हेड ऑफिस ब्रांच ऑफिस या विच इज मोर कनेक्टेड टू द सप्लाई वो लेके चलते हैं रेजिडेंस में जहां पर वो यूजुअली रहता है मल्टीपल शादी कर हैं जिस पति से ज्यादा प्यार करता है यूजली रहता है उसे उसका रेजिडेंस माना जाता है कंपनी का अगर कह तो कंपनी में उसका जो कंपनी का मायका होता है यानी कि जहां कंपनी का जन्म होता है जहां वो इनकॉर्पोरेट होती है वो उसका रेजिडेंस माना जाता है अकॉर्डिंगली हम उसकी लोकेशन को ट्रैक करके चलते हैं

उसके अप्लाई होने के बाद जो बनकर सामने आया क्या ये कोई नया बन के आया क्या इसका कोई नया यूज है नया यूज का मतलब जो पहले पॉसिबल नहीं था जैसे कि हमने दूध से दही बना दिया है तो दही के पास एक नया यूज होता है कि उससे कड़ी बनाई जा सकती है जो कि दूध से संभव नहीं है तो न्यू यूज आते ही ये मैन्युफैक्चरिंग हो जाती है क्या हर प्रोसेस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होती है देखिए मैन्युफैक्चरिंग एक प्रोसेस का नाम है लेकिन एवरी प्रोसेस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस नहीं होती मतलब ऐसे समझिए बात को जैसे कि सोना यानी गोल्ड जो होता होता है है वो पीला लेकिन हर पीली चीज सोना नहीं होती है सोना मतलब गोल्ड वो नहीं मेरा, मेरा बच्चा वो नहीं उसकी बात नहीं कर रहा मैं मार्केट वैल्यू की बात करते हैं मार्केट वैल्यू मतलब मार्केट में जो अपनी वैल्यू चल रही है ओपन मार्केट वैल्यू वगैरह जब हम वैल्यूशन का चैप्टर पढ़ते हैं तो यहाँ इसकी जरूरत पड़ती है मार्केट वैल्यू वर्ड की ओपन के मार्केट के अंदर उसकी ओपन वैल्यू इंडिपेंडेंट वैल्यू क्या है मिक्सड सप्लाई का मतलब क्या हो गया कॉम्पोजिट सप्लाई जो नहीं है बंडलिंग कर रखी है उसे मिक्स सप्लाई बोलकर चलते हैं जो पीएनटी टेस्ट को फुलफिल नहीं कर पाती है तो टू और मोर इंडिविजुअल सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस जहां पर की जाती है बाई ए टैक्स पर्सन फॉर ए सिंगल प्राइस पर आकर और जिसके अंदर कोई किसी प्रकार की प्रिंसिपल सप्लाई नहीं होती सब अपने आप में मंत्री होती है तो उसे हम यहाँ पर मिक्सड सप्लाई के नाम से जानकर चलते हैं और सेक्शन आठ के मुताबिक अक्कड़ बक्कड़ बंबे बोल इनमें जोनसी वाली सप्लाई आपकी हाईएस्ट रेट ऑफ टैक्स कैरी करती है उसके अंदर इसको क्लासिफाई कर दिया जाता है मनी का मतलब क्या है मनी का मतलब है कि जिसकी एग्जैक्ट वैल्यू होती है फेस वैल्यू और मार्केट वैल्यू एग्जैक्ट होती है करेंसी नोट हो गया दो हजार रुपए का नोट हो गया भाई साहब उसकी फेस वैल्यू मार्केट वैल्यू बराबर होती है लेकिन चेक चेक की फेस वैल्यू मार्केट वैल्यू बराबर होती है इनका इश्कराना जागो जितना लिखा उतना तो मिलेगा आपको लेकिन गोल्ड शेयर जी नहीं इनकी फेस वैल्यू मार्केट वैल्यू बराबर नहीं होती आउटडेटेड करेंसी इसकी भी नहीं होती सर जैसे पांच के नोट जो आपके आउटडेटेड हो गए हैं तो फेस वैल्यू पांच रुपए की लेकिन मार्केट वैल्यू बारह रुपये किलो है रद्दी के भाव में तो वो आपकी मनी नहीं कही जाती है <clears throat> तो ऐसे करके हमारी बात होती है मालिक यहां पर मोटर व्हीकल आईटीसी के चैप्टर में इसकी जरूरत पड़ती है सबके सब आ जाते हैं ऑल टाइप ऑफ व्हीकल्स नॉन रेजिडेंट टैक्सवल पर्सन जो कैजुअल टैक्सीवल पर्सन था उसका विदेशी जो भाग है भाई है वो यहां पर आ जाता है लेकिन परिभाषा में थोड़ा सा अंतर ये आता है हु ओकेजनली एंटर इन टू इंडिया फॉर ए बिजनेस फॉर ए पर्टिकुलर टाइम एंड द पर्सन हैज नो फिक्स्ड स्टैब्लिशमेंट इन इंडिया इन इंडिया कैजुअल टैक्सल पर्सन के लिए बोलते हैं कि जिस स्टेट में कारोबार करने के लिए जा रहा है उस स्टेट में उसका फिक्स ठिकाना नहीं है लेकिन इसके लिए बोलते हैं क्योंकि ये इंटरनेशनल लेवल बात हो रही है कंट्री टू कंट्री बात हो रही है तो बोलते हैं कि जिस इंडिया के अंदर उसका स्थायी ठिकाना नहीं है उसे नॉन रेजिडेंट टेक्सवल पर्सन बोल देते हैं बाकी जो प्रोविजन है कि पांच दिन में एडवांस पेमेंट करो एडवांस रजिस्ट्रेशन कराओ वो सारे के सारे नॉर्मल तरीके से दोनों के लिए कॉमन प्रोविजन है कैजुअल टैक्स पर्सन है देशी है तो पैन के बेसिस पर रजिस्ट्रेशन होगा लेकिन जो विदेशी है उसका पासपोर्ट के बेसिस पर रजिस्ट्रेशन करवा दिया जाता है ओकेजनली एंटर्स इन टू इंडिया हो रहा है जिसका कि इंडिया के अंदर कोई स्थायी ठिकाना नहीं है ना बिजनेस ठिकाना है ना रेजिडेंस लेकिन कैजुअल टेक्सर पर्सन के लिए सर बोलते थे कि उसका कोई बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट नहीं है ये उसको थोड़ा और डिटेल में मैंने बता रखा है यहां पर आकर नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल सप्लाई सप्लाई को यहां पर दो भागों में बांटेगा टैक्सेबल सप्लाई और नॉन टैक्सेबल सप्लाई किसकी ऑफ गुड्स या सर्विसेज तो यहां किसी भी सप्लाई को टैक्सेबल होने के लिए तीन कंडीशंस के ऊपर उतरना पड़ेगा गुड्स या सर्विस होना चाहिए सप्लाई होनी चाहिए और उसके ऊपर जीएसटी भी लगना चाहिए तब जाके बोलूंगा कि टैक्सेबल तब बोलूंगा कि भाई टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स या सर्विस है नॉन टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स या सर्विस का बोला जाएगा मेरी बात सुनिएगा इसके लिए भी गुड्स या सर्विस का होना जरूरी है सप्लाई भी होनी जरूरी है और नॉट लेबल टू जीएसटी तो हम क्या बोल रहे हैं कि जीएसटी लगना नहीं चाहिए उसके ऊपर लेकिन सप्लाई होनी चाहिए और यह भी होना चाहिए तभी इस पर सप्लाई ऑफ गुड्स का अगर कंडीशन पूरी नहीं हो पा रही ना यहां फॉल कर रहा ना यहां फॉल कर रहा तो उसको अंधकार में डाल देंगे ब्लैक होल के अंदर डाल दिया जाएगा ऐसे करके हमारे तो पहला क्वेश्चन है मेरा सेल ऑफ मनी और सिक्योरिटी क्या ये आपका गुड्स या सर्विस में फॉल करते हैं मनी और सिक्योरिटी साहब ये नहीं फॉल करते हैं तो खत्म ना ये टैक्सेबल सप्लाई है ना ही ये नॉन टैक्सेबल सप्लाई है सेल ऑफ एल्कोलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन शराब जो होती है क्या ये गुड्स है हाँ सेल है. करना क्या सप्लाई बन जाएगा हाँ बन जाएगा लेकिन क्या इस पर टैक्स लगता है नहीं लगता है तो ये टैक्सेबल सप्लाई तो नहीं बनी लेकिन हाँ नॉन टैक्सेबल सप्लाई में से काउंट करा दिया जाएगा उसके बाद में ट्रांसफर ऑफ गुड्स टू जॉब वर्कर को भेज के चलते हैं तो वो गुड्स तो आ जाएगा लेकिन सप्लाई नहीं बनता है इसलिए सप्लाई नहीं बना तो ना तो वो टैक्सेबल कहा जा सकता है ना ही वो नॉन टैक्सेबल कहा जा सकता है वो ब्लैंक रहेगा अंधकार में रहेगा ये बन गया था अपना यहां पर आकर नॉन टैक्सेबल और ये अपना ब्लैंक में गया था एग्रीगेट टर्न के अंदर क्या एड करके चलते हैं एग्रीगेट टर्न में हम सप्लाई तो कम से कम होना चाहिए ना भाई गुड्स या सर्विसेस की जो कुछ भी नहीं है उसको कैसे ऐड करने वाला हम तो एग्रीगेट टर्नओवर जब निकालने चलेंगे तो ये हमारा ऐड नहीं किया जा सकता इसको ऐड कर लेंगे और इसको ऐड नहीं किया जा सकता बिकॉज उसके भी अपने कुछ नियम कानून है कि ऑल आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स या सर्विस होनी चाहिए गुड्स या सर्विस वहां पर भी होना चाहिए तभी एड करेंगे सप्लाई वहां पर भी होनी चाहिए तभी उसको एड किया जाएगा नॉन टैक्सेबल टेरिटरी क्या है देखिए टैक्सेबल टेरिटरी यानी कि एरिया आई जी एस टी उसकी टैक्सेबल टेरिटरी पूरा इंडिया हो जाता है हरियाणा जीएसटी लॉ है उसकी टैक्सेबल टेरिटरी पूरा हरियाणा हो जाता है और इनके एरिया के बियॉन्ड जो भी एरिया होगा उसे नॉन टैक्सेबल टेरिटरी के नाम से बुलाया जाता है जैसे आई जीएसटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देख के चले तो ठीक है इंडिया टैक्सेबल टेरिटरी लेकिन स्पेस भूमंडल ये अमरीका ये न्यूयॉर्क ये चंदा मामा ये मंगल ग्रह ये सब इसके लिए एंटिटी में काउंट कर लिया जाता है हरियाणा जिस हरियाणा टी टी है तो बाकी जितना भी चाहे यूपी है पंजाब है अमेरिका है मंगल ग्रह है ये सब के सब अपने कही जाते हैं नॉन टैक्सेबल टेरिटरी ऐसे करके मालिक बोल दिया जाता है वो मैंने आपको यहां पर डायग्राम के माध्यम से बता रखा है नोटिफिकेशन जो गवर्नमेंट के द्वारा इश्यू की जाती है उसे नोटिफिकेशन के यहां नाम से बुलाते हैं स्टेट और यूनियन टेरिटरी स्टेट में आपको मैंने बताया था ट्वेंटी नेचुरल स्टेट्स हैं तीन आपकी डीम्ड स्टेट्स हैं और पांच आपकी यूनियन टेरिटरी है पांच के साथ पांच प्लस वन पढ़ा जाएगा क्योंकि पांच तो, तो हैं है ही है पांच के साथ ये प्लस वन ये हो जाता है अपना अदर टेरिटरी और अदर टेरिटरी को भी हम लोग यूनियन टेरिटरी के नाम से बुलाकर चलते हैं ऐसा मैं आपको यहां पर बताकर चल रहा हूं मेरे बच्चा और ये ऑयल रिक्स वाला जो एरिया था ई के अंदर उसको यहां पर बोल दिया जाता है अदर टेरिटरी आउटपुट टैक्स क्या है जो आउटवर्ड सप्लाई से जन्म ले रहा है उसे हम आउटपुट टैक्स बुलाकर चलते हैं लेकिन अगर मैं इनवर्ड सप्लाई ले रहा हूं और उस पर मुझे आरसीएम के अंदर टैक्स भरना पड़ रहा है तो भले ही मैं भर रहा हूं लेकिन वो जन्मा है इनवर्ड सप्लाई से इनवर्ड सप्लाई कभी भी आउटपुट टैक्स को जन्म नहीं दे सकती ये जन्म दे सकती तो सिर्फ और सिर्फ इनपुट टैक्स को तो मैं आपको फिर से बता दूं कि यहां से जो जन्मेगा चाहे एनसीएम को चाहे आरसीएम को इनपुट टैक्स रहेगा आउटवर्ड से जो जन्मेगा वो मेरा आउटपुट टैक्स यहां पर कंसिडर किया जाएगा आउटवर्ड सप्लाई जो मैं दे रहा हूं वो आपकी आउटवर्ड सप्लाई कही जाती है पर्सन वर्ड में सब आ जाते हैं कंपनी हो फर्म हो एलएलपीओ एओपी वगैरह सबके सब आ जाते हैं प्लेस ऑफ बिजनेस किसे कहा जाता है प्लेस ऑफ बिजनेस मतलब सिंपली बोलो ना माय बिजनेस प्लेस और बिजनेस प्लेस का मतलब क्या बिजनेस प्लेस का मतलब ये हो गया कि जहां जहां पर मेरी बिजनेस एक्टिविटी है यहां तक कि जो मेरा जॉब वर्कर है अगर वो अनरजिस्टर्ड आदमी है तो वो प्लेस भी मेरे ही काउंट प्लेस में काउंट कर दिया जाएगा मेरे ही बिजनेस प्लेस के अंदर काउंट कर दिया जाएगा चाहे मेरी फैक्ट्री है शोरूम है बुकिंग ऑफिस है वट जहां जहां पर मेरी सी भी अगर बिजनेस एक्टिविटी हो रही है तो उसे यहां पर आकर बोल दिया जाता है बिजनेस प्लेस प्लेस ऑफ सप्लाई वही डेस्टिनेशन हो गया Prescribed, मतलब जहां प्रस्क्राइब वर्ड आता है तो मतलब यहां रूल्स की तरफ वो इशारा करके आपको ले जा रहे हैं प्रिंसिपल कौन जो एजेंट से काम करवाता है उसे प्रिंसिपल बोल दिया जाता है प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस हमारे रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के अंदर लिखा होता है मान लीजिए मेरे चार बिजनेस प्लेस है और चारों के लिए इकट्ठा रजिस्ट्रेशन ले रहा हूं स्टेट के अंदर वो आ रहे हैं जब मैं रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन फाइल करता हूं तो वहां पर मुझसे पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा तुम्हारा प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस है उसका नाम मैं बताऊंगा और उसी को डिक्लेयर कर दिया जाएगा प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस बाकी जो मेरे बिजनेस प्लेस है उनको बोला जाता है एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस जो कि मेरे रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के अंदर क्लियरली मेंशन कर रखा होता है प्रिंसिपल सप्लाई क्या कंपोजिट सप्लाई के अंदर जोनसी वाली सप्लाई डोमिनेंट नेचर की होती है सब पर हावी होती है सब पर भारी होती है सिर्फ वही वही दिखाई देती है उसे प्रिंसिपल सप्लाई बोल दिया जाता है जैसे कि घर तो आप सभी का ही है लेकिन घर को किसके नाम से पुकारा जाता है कि भाई ये किन का घर है तो क्या आपका नाम लिया जाता है क्या मम्मा का नाम लिया नॉर्मली पिताजी का नाम लिया जाता है कि ये उनका घर है तो इसका मतलब घर के अंदर चाहे मम्मा प्रिंसिपल हो लेकिन बाहर की सामाजिक दुनिया के अंदर पप्पा ही प्रिंसिपल होते हैं ऐसे करके बोल दिया जाता है तो उसी को प्रिंसिपल सप्लाई बोल रहे हैं लैपटॉप और कैरी खेस के अंदर लैपटॉप आपका प्रिंसिपल सप्लाई में काउंट कर जाता है। मतलब जो व्यक्ति नियुक्त किया गया, है, किया गया है, उसको हूं। टेक्निकल के लिए संदीप प्रॉपर ऑफिसर है झाड़ू पोछा लगाने के लिए दूसरा बंदा है वो यहां पर प्रॉपर ऑफिसर बना दिया जाएगा जो व्यक्ति को जो काम दिया है उसे उचित अधिकारी का नाम दे दिया जाता है क्वार्टर का क्या मतलब है क्वार्टर का मतलब हो गया आपका एमएल मत बताना मुझे नॉर्मली आंसर आ जाते हैं तेजी के साथ में क्वार्टर का मतलब हो गया तीन महीने का पीरियड कौन सा तीन महीने फरवरी मार्च अप्रैल क्या ये क्वार्टर बनाएंगे जी नहीं ये भी आपके प्री फिक्स है जनवरी फरवरी मार्च ये 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 आई के चैप्टर में जाकर क्वार्टर की हमें जरूरत पड़ती है कि भाई वहां क्वार्टर का मीनिंग क्या है उसमें से देखा जाता है कि अगर मार्च में मैंने कोई चीज खरीदी है और अप्रैल में बेच दी है तो यहां पर कितने क्वार्टर काउंट हो जाएंगे एक क्वार्टर ये काउंट हो जाएगा एक क्वार्टर काउंट हो जाएगा क्योंकि उसमें पार्ट ऑफ द क्वार्टर को भी पूरा क्वार्टर मान लिया जाता तो लिटरली देखा जाए तो महीना भर भी शायद नहीं लगा इकतीस मार्च को खरीदा और एक अप्रैल को बेच दिया तो चौबीस घंटे भी शायद ना रुका हो लेकिन वो दो क्वार्टर वहां पर काउंट कर लिए जाएंगे तो बोलते हैं अब पीरियड कंप्राइजिंग थ्री कंजिव कैलेंडर मंथ्स एंडिंग ऑन द लास्ट डे ऑफ द मंथ ऑफ मार्च तो मार्च में कौन सा एंड होगा जेन फाइव मार्च जून में एंड होने वाला सितंबर में एंड होने वाला और दिसंबर में एंड होने वाला ये आपके क्वार्टर यहां पर बोले जाते हैं रेसिपेंट की डेफिनेशन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं रजिस्टर्ड पर्सन का मतलब जो बोले सोने हाल द पर्सन हु इज रजिस्टर्ड और लाइबल टू बी रजिस्टर्ड उसको यहां पर, जिसका रजिस्ट्रेशन हो गया शादीशुदा व्यक्ति है उसको यहां पर रजिस्टर्ड पर्सन बोल दिया जाएगा लेकिन इसमें यू आई एन होल्डर नहीं आते हैं जो कि एम्बेसी वगैरह है रिफंड क्लेम करने के लिए जो रजिस्ट्रेशन करा रहे थे उनको यहां पर हम काउंट नहीं करके चलेंगे ऐसी वाली बात मालिक यहां पर करी जाती है प्रेम से बोलेंगे राधे राधे चले आगे रेगुलेशन जो कि बोर्ड के द्वारा बनाए जाते हैं रिमूवल का मतलब रिमूवल में दोनों चीज आ जाती है एक होता है कि आप मेरे पास में आए और कलेक्ट करके ले गए सामान एक होता है कि मैंने आपके यहां डिस्पैच करा दिया दोनों ही सूरतों में कटा तो तरबूज जा ना तो ऐसे में हम क्या बोलते हैं कि भाई यहां पर आकर ये दोनों ही केस में रिमूवल है चाहे वो डिस्पैच हो चाहे वो कलेक्शन हो इस शब्द की जरूरत पड़ती है हमें टाइम ऑफ सप्लाई के चैप्टर में जाकर रिटर्न का मतलब क्या हो गया वही रिटर्न अपनी फाइलिंग रिटर्न आर से मतलब टैक्स भरे रिविजनल अथॉरिटी जो हमारी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी होती है अपील के चैप्टर में उसके बराबर में ही रिविजनल अथॉरिटी होती है और यहाँ पर सिर्फ डिपार्टमेंट अपना जा सकता है अगर वो अपीलेट अथॉरिटी जाने में लेट हो जाता है तो सेक्शन एक में इसका जिक्र किया जाता है शेड्यूल का मतलब तीन शेड्यूल से है जो कि आपके सप्लाई चैप्टर में दे रखे हैं पहले शेड्यूल में आपकी चार एफओसी शेड्यूल दो के अंदर बता रखा है कि किसको गुड्स बोलेंगे सप्लाई ऑफ गुड्स किसको सप्लाई ऑफ सर्विस के नाम से बुलाएंगे और शेड्यूल थ्री के अंदर बोला जाता है कि भाई न्यू मैजिक ऑफ डब्ल्यू लीक लीक ले यानी कि जो आपकी नेगेटिव लिस्टेड सप्लाई है उनकी लिस्ट वहां पर आपकी दे रखी है फिर आता है वर्ड सिक्योरिटी सिक्योरिटी मतलब शेयर सिक्योरिटी जो होते हैं डिवेंचर है डिवेंचर स्टॉक है ये सब है तो उसमें यहां आ जाता है जो कि ना गुड्स में काउंट होती ना सर्विस के अंदर काउंट की जाती है सर्विस का मतलब क्या है सर यानी जो गुड्स नहीं है उसको सर्विस बोल दिया जाता है सर्विस एक्टिव मोड पैसि मोड किसी भी तरीके की हो सकती है एंड मनी और जो सिक्योरिटीज है ये गुड्स और सर्विस तो नहीं है लेकिन एक्टिविटीज इन रिलेशन टू मनी और सिक्योरिटीज को हम लोग यहां पर बोल के चलते हैं सर्विस स्टेट पहले बात कर चुके स्टेट टैक्स मतलब एसजीएसटी सप्लाई मतलब जो सप्लाई करे जो बोले सोनिहाल टैक्स पीरियड का मतलब क्या हो गया जिस पर्टिकुलर पीरियड के लिए आपकी रिटर्न फाइल की जाती है जैसे कि आ, हम नॉर्मली अपनी मंथली रिटर्न फाइल करके चलते हैं तो वहां पर मंथ हो गया क्यू के अंदर क्वार्टर रिटर्न फाइल होती है तो वहां पर क्वार्टर हो गया और आपकी कॉम्पोजिशन स्कीम के अंदर एनुअली रिटर्न फाइल होती है तो वहां पर टैक्स पीरियड एनुअल हो जाता है सर वो क्वार्टरली क्या जाता है क्वार्टरली उसका स्टेटमेंट जाता है जीएसटी सीएमपी जीरो एट के अंदर रिटर्न जो होती है वो जीएसटीआर फोर में जाती है कंपोजिट डीलर की जो कि एनुअली जाती है अगले साल के थर्टीएथ अप्रैल तक उसके बाद टेक्सेबल सप्लाई हो गया मालिक टेक्सेबल टेरिटरी हो चुका है टेलीकोम्युनिकेशन सर्विस वही अपनी ये लैंडलाइन फोन ये जितनी फोनबाजी हो रखी है आपकी ये कॉल टेक्स ये सब आपकी टेलीकोम्युनिकेशन सर्विस कही जाती है चैप्टर आता है आपका प्लेस ऑफ आप सप्लाई का तो उसमें टेलीकोम्युनिकेशन सर्विसेज के लिए बता रखा है अलग तरीके से कि प्लेस ऑफ सप्लाई कैसे उसमें डिटरमिन किया जाएगा एस जी एस टी एक्ट हो गया अपना टर्न ओवर इन द स्टेट एक हम देखते हैं कि एग्रीगे टर्नओवर यह भी एग्रीगेट टर्न ओवर की तरह होता है लेकिन वहां पर जो ज्योग्राफिकल बाउंड्री है एग्रीगेट में ऑल इंडिया होता है लेकिन यहां पर ज्योग्राफिकल बाउंड्री जो होती है वो एक पर्टिकुलर स्टेट होता है तो उसे यहां पर टर्न ओवर इन स्टेट बोल दिया जाता है उसके बाद में यूजुअल प्लेस ऑफ रेजिडेंस बात हो चुकी है जहां पर यूजुअली रहते हैं या अगर कंपनी की बात करें तो जहां पर कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है उसे यूजुअल प्लेस ऑफ रेजिडेंस का नाम दे दिया जाता है उसके बाद में यू जीएसटी हो गया वैलिड रिटर्न हो गई रिटर्न के साथ जब पेमेंट पूरा हो कि जाता है जैसे टोस्ट के ऊपर बटर भी लगा दिया जाता है तो बटर टोस्ट बनता है तो कंप्लीट बनता है तो ऐसे ही कंप्लीट रिटर्न विद पेमेंट जब जाती है उसे वैलिड रिटर्न कहा जाता है वाउचर का मतलब कूपन पास टोकन वगैरह सब अपने आ जाते हैं वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट जहां पर गुड्स और सर्विस इकट्ठी वैल्यू पर दिए जाते हैं एंड रिजल्टेंट प्रॉपर्टी आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी होती है उसे वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट का नाम दे दिया जाता है और वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट एक सर्विस है जैसे गदर एक प्रेम कथा है वैसे वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट एक सर्विस है ऐसा बताया गया है शेड्यूल नंबर दो के अंदर आकर अकॉर्डिंगली इसका हम ट्रीटमेंट करके चलते हैं सीजीएसटी एक्ट की सारी की सारी डेफिनेशन आपकी यहां पर आकर कंप्लीट हो जाती है एंड नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस आईजीएसटी uh, डेफिनेशन <coughs> तो मैं जल ग्रहण कर लूं बाबू मेरे हां जी कर लीजिए पहली डेफिनेशन आती है सी जी एस टी की सी जी एस टी एक्ट की सी जी एस टी एक्ट टू थाउजेंड ये यहां पर आ जाएगा ठीक है साहब ओके साहब कोई दिक्कत नहीं है उसके बाद में है सेंट्रल uh, टैक्स मतलब सीजीएसटी, फिर आता है कंटिन्यूअस जर्नी तो कंटिन्यूअस जर्नी इसका जिक्र आएगा प्लेस ऑफ सप्लाई में वहीं इसको बता दूंगा क्या लिखा हुआ है कस्टम फ्रंटियर ऑफ इंडिया यानी कि कस्टम का जहां तक कंट्रोल है कस्टम का जहां तक एरिया है जब आप कस्टम फ्रंटियर को क्रॉस करते हैं बाहर निकलते हैं एट दैट टाइम आपको ड्यूटी का पेमेंट करना पड़ जाता है तो कस्टम एरिया में क्या क्या जाता है ऑल कस्टम स्टेशन यानी कस्टम पोर्ट एयरपोर्ट लैंड कस्टम स्टेशन इनके जो एक्सटेंशन हैं जैसे पोर्ट का ड्राई पोर्ट हो गया एयरपोर्ट का एयर फ्रेट स्टेशन हो गया लाइक दैट ये सब इसमें आ जाते हैं बॉन्डेड वेयर हाउस भी कस्टम एरिया में आता है इंटरनेशनल कुरियर टर्मिनल इंटरनेशनल पोस्ट ऑफिस ये सब आपका कस्टम कंट्रोल वाले एरिया है इसी को बोल दिया जाता है कस्टम फ्रंटियर ऑफ इंडिया एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स इंडिया से इंडिया के बाहर ले जाना एक्सपोर्ट अपना कहा जाता है इसमें फॉरन करेंसी को लाने की कोई शर्त नहीं होती है एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स के लिए जिसे जीरो रेट हम आगे चलकर मानकर चलते हैं अकॉर्डिंगली बात करी जाती है एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस द मोस्ट इंपोर्टेंट डेफिनेशन तो इसके लिए क्या चाहिए होता है क्योंकि इसका फिजिकल एग्जिस्टेंस तो होता है नहीं इसलिए किन्हीं और तरीकों से हमने इसे स्टेब्लिश करना पड़ता है सप्लायर यहां टीटी -टी का होना चाहिए इंडिया का रेसिपिएंट बाहर का हो प्लेस ऑफ सप्लाई भी बाहर की हो पैसा फॉरेन करेंसी में आना चाहिए चलेगा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है नेपाल के लिए इंडियन रुपीज में आएगा तो भी चलेगा एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस बोल देंगे और मजे की बात दोनों पार्टी डीम्ड डिस्टिंक्ट नहीं होनी चाहिए अगर दोनों डीम्ड डिस्टिंक्ट हैं तो वहां पर एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस नहीं बनाई जाएगी आगे एक सर्कुलर डाला हुआ है इस पूरे सर्कुलर का सार ये है कि एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस कहीं जाने के लिए फंड कंज्यूम पेमेंट आना चाहिए हम यहां इंडिया में थे और ये यूएसए था हमारा इनसे तय हुआ था आना पांच लाख डॉलर यह तय हुआ था आ जाता बहुत अच्छी बात है पूरी की पूरी एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस बन जाएगी दिक्कत वाली बात नहीं है लेकिन हुआ क्या काम टाइम पर पूरा नहीं हो पा रहा था इन्होंने किसी थर्ड पार्टी को हायर किया इन्होंने सप्लायर ने कि भी एक काम करो तुम मेरे क्लाइंट को कुछ एक सर्विसेज प्रोवाइड कराओ बाकी मैं कर रहा हूं ताकि मेरा जो कमिटमेंट है वो टाइम पर पूरा हो सके ठीक है जी अब चूंकि ये इसका जो रेसिपियंट है वो मैं बनूंगा क्योंकि रेसिपियंट उसे कहते हैं जो पेमेंट देगा ये यूएसए वाले क्या जाने तो सप्लायर बना ये और रेसिपियंट बना मैं और थर्ड पार्टी के लिए एक्चुअल रेसिपियंट ये यहां पर बन जाता है अब होगा क्या कि पांच लाख डॉलर यहां से यहां आएंगे और दो लाख डॉलर मैं इसको यहां पर पे कर दूंगा जो मैं इसका कमिटमेंट था या फिर तो ऐसे में पूरी की पूरी एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस बनी पांच लाख की लेकिन अगर ऐसी व्यवस्था बना दी जाए कि भाई एक काम करो तुम ना मुझे पांच मत दो तीन मुझे भेज दो और दो मेरे कहने से दो लाख डॉलर आप इस पार्टी को भेज देना बोलना मैंने भिजवाए हैं ऐसे करके तो ऐसे में अभी जो एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस है वो तीन लाख की मानी जाएगी या पांच लाख की मानी जाएगी सर जी अभी भी वो पांच लाख की मानी जाएगी क्योंकि मुझे दे या मेरे बिहार पर किसी को दे पूरा पैसा मुझे ही पे हुआ माना जाता है तो ये आपका सर्कुलर यहां पर बताकर चलता है आगे एक और सर्कुलर आया है उसने ये बताया है कि अगर मान लीजिए एक फॉरेन कंपनी है और वो वहीं का अपना जो एक्ट है उसके मुताबिक रजिस्टर्ड है उसका यहां पर इंडिया के अंदर एक ब्रांच ऑफिस को लो कुछ भी कह लो वो यहां पर आकर कंपनी है और वो इंडियन लॉ के मुताबिक द्वारा रजिस्टर्ड है तो ये कंपनीज एक्ट 2013 के मुताबिक है वो फॉरेन एक्ट के मुताबिक है तो इनको अलग अलग पर्सन की तरह हम ट्रीट करके चलते हैं और यहां पर जो ये एक्सपोर्ट करके चलेंगे उसको एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस का दर्जा दिया जाएगा पूरी कथा का निचोड़ इस सर्कुलर का यही निकल कर आ जाता है उसके बाद में फिक्स्ड स्टैब्लिशमेंट मतलब जो आपका ब्रांच ऑफिस होता है जहां पर प्रॉपर मशीनरीज है आपकी लेबर होती है कुछ परमानेंसी का हल्का सा कैरेक्टरिस्टिक होता है उसके अंदर उसे हम यहां पर फिक्स्ड स्टैब्लिशमेंट बोल के चलते अकॉर्डिंगली आपको उस प्लेस का रजिस्ट्रेशन भी लेना पड़ जाता है जीएसटी कॉम्पनसेशन टू स्टेट एक्ट वही अपना हो गया जी लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा जीएसटी का एक्ट अलग है कॉम्पनसेशन का एक्ट अलग है इनका आपस में क्रॉस यूटिलाइजेशन नहीं हो सकता है जैसे कि क्या सेस का जो क्रेडिट होगा क्या वो जीएसटी के लिए इस्तेमाल हो जाएगा जी नहीं दूसरा क्या जीएसटी का जो क्रेडिट होगा वो सेस के लिए इस्तेमाल हो जाएगा जी नहीं जीएसटी का जीएसटी के लिए होगा सेस सेस का size के लिए होगा ऐसे करके यहां पर बोल दिया जाता है इंपोर्ट ऑफ गुड्स क्या इंडिया के बाहर से इंडिया में लाना इंपोर्ट ऑफ गुड्स कहा जाता है एंड वी नो वेरी वेल दैट इज इट इज क्लासिफाइड एज सीवीडी थ्री सेवन अंडर कस्टमटरी सेवनटी फाइव करके है हमारा जो आईजीएसटी का सेक्शन नंबर पांच है उसमें एक प्रोवाइजो क्रिएट कर रखा है बता रखा है कि जो इम्पोर्ट ऑफ गुड्स है उस पर हम नहीं चार्ज कर रहे हम लेवाई नहीं कर रहे जीएसटी इसके लिए कस्टम कस्टमटेरी एक्ट का सेक्शन थ्री सब सेक्शन सेवन इस पर लेवी और कलेक्ट करके चलेगा और कस्टम डिपार्टमेंट इसका कलेक्शन करके चलता है और इम्पोर्ट ऑफ गुड्स का मीनिंग यही है कि इंडिया के बाहर से इंडिया में लाना इम्पोर्ट कहा जाता है ऐसे करके उसके बाद में इंपोर्ट ऑफ सर्विस के कैसे कहेंगे सप्लायर जब बाहर का हो इंडिया का हो प्लेस ऑफ सप्लाई भी इंडिया में हो इसे इंपोर्ट ऑफ सर्विस बोल दिया जाता है और इंपोर्ट ऑफ सर्विस के ऊपर रिवर्स चार्ज में जीएसटी का पेमेंट करना होता है सिर्फ एक तरह की इम्पोर्ट ऑफ सर्विस को छोड़कर कौन सी वाली ओइडार वाली सर्विसेज ऑनलाइन इंफॉर्मेशन डेटाबेस एक्सेस और रिट्रीवल की जो सर्विस होती है उसे छोड़ दीजिए बाकी जितनी भी आपकी इंपोर्ट ऑफ सर्विस सर्विसेज हैं उन पर रिवर्स चार्ज में जीएसटी का पेमेंट करना पड़ता है मेरे भूरा ठीक है सर जी एंड uh, दूसरी बात मैं आपको बताऊं वो भी ओइडर की सर्विस दी जा रही हो इंडिया में किसी छोटे बच्चे को किड्स को दी जा रही हो तो ही हम यहां पर उसकी बात करेंगे मतलब उस पर आरसीम नहीं आएगा सप्लायर को इंडिया में आना पड़ेगा कि भाई जीएसटी का पेमेंट करने के लिए इसका मतलब आईजीएसटी एक्ट हो गया इंटरमीडिएट मतलब बिचौलिया हो गया बिचौलिया का मतलब लाइक जो ट्रांजैक्शन को इंटरमीडिएट करके चलता है शादी में नहीं होता लड़का पक्ष और लड़के पक्ष को मिलवाने के लिए जो बिचौलिया होता है वो बस मीडिएट किया बात खत्म लड़के को लड़की दिखा दी लड़के वालों को लड़का दिखा दिया वैसे करके वो करा देते हैं कल को अगर कोई मान लीजिए लड़का बेवड़ा निकलता है लड़की बेवड़ी निकलती है तो वहां पर क्या बिचौलिया को पकड़ेंगे किसी की तैसी कहां कहा फंसा दी तो हमें जी नहीं उसने आपको पहले दिखा दिया भाई ये है ये है देख लीजिए उसकी आगे कोई जिम्मेदारी नहीं होती अपनी उसकी लेटर ऑन कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है उसे बोलते हैं इंटरमीडिएटी तो यहां पर एक ये ट्रायो बन जाता है मेन सप्लाई के लिए एक सप्लायर होगा एक रेसिपेंट होगा और इनको डील इनको जोड़ने के लिए बीच में आता इंटरमीडियरी अपनी सर्विसेज दे रहा होता है तो मेन सप्लाई पर अपना जीएसटी लगेगा इंटरमीडियरी की सर्विस पर अपना जीएसटी लगा दिया जाता है ऐसे करके बोलते हैं तो इंटरमीडियरी मींस आप ब्रोकर हो एजेंट हो अदर पर्सन किसी भी नाम से बुलाइए जो अरेंज या फैसिलिटेट करता है सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ शादी के लिए और सिक्योरिटी सिक्योरिटीज के भी है तो चलेगा बिटवीन टू और मोर पर्सन सिक्योरिटीज सिक्योरिटीजिए अगर इसे स्टॉक ब्रोकर होता है तो सिक्योरिटी पर तो टैक्स नहीं आएगा लेकिन स्टॉक ब्रोकरेज की जो सर्विस दे रहा है उस पर पक्का पक्का जीएसटी रखवा दिया जाएगा बट डज नॉट इंक्लूड ठहरो शादी नहीं हो सकती डज नॉट इंक्लूड ए पर्सन हु सप्लाई सच गुड्स और सर्विस और बोथ और सिक्योरिटीज ऑन हिज ओन अकाउंट का मतलब ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी जो खुद की जिम्मेदारी पर सप्लाई कर रहा है वो इंटरमीडियरी नहीं कहा जाएगा ऐसे करके ठीक है जी एयर ट्रेवल एजेंट हो गया ये हो गया तो ये इसके इंटरमीडियरी यहां पे कहे जाते हैं इलेस्टेशन दे रखे हैं कोई नई बात नहीं इलास्ट्रेशन के अंदर आप इसके भी कर सकते हो पढ़ना देखना चाहो तो पढ़ सकते हो मुझे कोई आपत्ति है नहीं पर अगर इतनी सी भी नई बात होती तो पक्का आपको बता के चलता लोकेशन ऑफ रेसिपियंट बात ऑलरेडी हो चुकी है लोकेशन ऑफ सप्लाई सेम डेफिनेशन हो चुकी है नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रेसिपियंट ये ओइडार की सर्विस की जब लिंकेज करूंगा प्लेस ऑफ सप्लाई में वहां इस परिभाषा को हम चेक कर लेंगे ऐसे ओइडार से तो जुड़ी हुई कोई भी बात अभी हम नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि हम इसको लिंक करेंगे प्रॉपर तरीके से वहीं पर जाकर आउटपुट टैक्स का मतलब हो गया जी अपना जो आउटवर्ड सप्लाई से निकला स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो कि एक स्पेसिफाइड एरिया होता है एंड सप्लाई टू एसड इज इक्वल टू जीरो रेट सप्लाई एस इज डेवलपर तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया तो जिसने एसड को डेवलप किया है उसे कहते हैं एस इज डेवलपर एंड वेन यू विल मेक सप्लाई टू द एस यूनिट और द डेवलपर सेम ट्रीटमेंट विल बी देयर तो डेवलप करने वाला डेवलपर और डेवलप हो जाने के बाद उसमें जो काम धंधे लेके लोग बैठते हैं उन काम धंधों को उन प्लेसेस बोल दिया जाता है यूनिट ऑफ सप्लाई का मीनिंग हो गया टैक्सेबल टेरिटरी और जीरो रेट सप्लाई का मीनिंग मैंने आपको बता दिया कि अब्रॉड भेजिए या एसीजेड की यूनिट और डेवलपर को भेजिए ये आपका यहां पर बन जाता है जीरो रेट सप्लाई और कोई ऐसा शब्द जो यहां पर ना आया हो तो वह इधर उधर से बोरो किया जा सकता है और ये अपना रेलिवेंट नहीं है तो इस तरीके से आपका ये चैप्टर यहां पर आकर कंप्लीट हो जाता है प्रेम से बोलेंगे रात ही रात एक बार की बात है आप जैसा कोई समझदार व्यक्ति एक क्रॉकरी शॉप में पहुंचता है वहां उसने एक शानदार सा पॉट देखा और जो भी उसे देखता टकटकी तक मारकर देखता ही रहता घूरता रहता प्यार से निहारता रहता तो आप जैसे किसी व्यक्ति ने पूछ लिया यार तो इतना सुंदर है तू तो कैसे है तो पॉट ने कहा कि मैं इतना सुंदर था नहीं लेकिन अब हो गया हूं मैं कहानी बताता हूं आपको अपनी कि मेरे साथ क्या क्या हुआ है तो पॉट कहता है कि मैं तो पता नहीं कौन से गुमनामी के अंधेरों में था मैं तो इस जमीन के अंदर ही दफन था एक दिन एक तगड़ा सा काला सा आदमी आता है और मेरे कमर पे आके लगातार एक वार करता रहता है वो फावड़ा नहीं होता कहीं पर कस्सी बोलते कहीं पर फावड़ा बोलते उससे मिट्टी की खुदाई करते हैं कह वो चलाने लगा मेरी पूरी पीठ छिल गई लेकिन वो जालिम नहीं माना और मुझे जमीन से खोद कर कहीं काल कोठरी में ले गया वहां ले जाकर मुझे लगा कि अब इसका जुल्म खत्म हो जाएगा लेकिन नहीं उसने मुझे धूप में डाला पहले सुखाया चिल धूप में पड़ा रहा उसके बाद उसने मुझे कूटना शुरू किया कभी डंडे से, से मोटे डंडे से कूटना शुरू किया कभी भिगो भिगो के मारे पानी डाल डाल के कूटे कभी सूखा कूटे और मुझे एक चूरे की तरह बना दिया एक पतला कर दिया मुझे फिर और पीटा गीला करके उसने मुझे मुझे लगा कि शायद इसके जुल्म खत्म हो जाएंगे फिर उसने क्या किया कि मुझे वो जो पॉटर के पास उन होते ना जो मिट्टी के बर्तन बनाते उनको व्हील नहीं होता क्योंकि उस व्हील के ऊपर उन्होंने मुझे चढ़ा दिया और इतनी तेज घुमाया मेरी आंखें भी गोल गोल होकर बाहर निकलने को तैयार मुझे चक्कर आ गए मुझे वोमिटिंग आने लगी लेकिन वो जालिम नहीं माना मैं चीखता रहा मैं चिल्लाता रहा लेकिन उसने एक ना सुनी वो इतना क्रूअल था वो इतना निर्दयी था लेकिन एक ना सुनी फिर जैसे तैसे मुझे होश आया मुझे लगा कि अब अब तुम एक शेप ले चुका हूं शायद अब यह मेरे ऊपर जुल्म करना बंद कर देगा लेकिन इंतहा तो तब हो गई जब उसने मुझे दहकते हुए कोयलों के बीच में रख दिया मेरा रोम रोम जल उठा मैं मर मर गया बस प्राण ना निकले मेरे मैं लाल हो गया एकदम फिर वहां से मुझे लेकर आता है मुझे लगा कि अब उससे ज्यादा और क्या कर सकता है मेरे साथ लेकिन वो नहीं माना उसने गरम गरम केमिकल मेरे ऊपर फिर डाला मेरी रंगाई पुताई कर दी पता नहीं क्या क्या मेरे साथ में जुल्म करे उसने और फिर एक दिन उसने मुझे यहां लाकर बिठा दिया मैं उसे कोसता रहा मैं उसे गालियां देता रहा लेकिन आज जब मैं अपने आप को शीशे में देखता हूं तो मैं तो कुछ और ही हो गया हूं हर व्यक्ति मुझे देखकर निहार रहा है मुझे अप्रिशिएट कर रहा है मैं कहां गुमनामी के अंधेरों में था मेरी कोई पहचान तक नहीं थी और आज आज हर कोई व्यक्ति मुझे एप्रिशिएट कर रहा है तो मेरे बहुरा आपको भी वही पॉट बनना है लेकिन वो पॉट ऐसे ही नहीं बन सकते हैं उसके लिए कहीं कही ना कहीं अपने आप को तपाना पड़ेगा अपने आप को हर यातना देनी पड़ेगी कंफर्ट जोन में रहकर कभी कोई कुछ नहीं उखाड़ पाया यार कि नहीं मैं, मैं तो मेरे हिसाब से सोकर उठूंगा या उठूंगी जब मेरा मूड होगा तब पढ़ेंगे अरे पढ़ लेंगे टाइम पड़ा हुआ कुछ नहीं होगा भाई कुछ नहीं होगा जब तक डेडिकेशन जब तक शेड्यूल और सबसे बड़ी बात जब तक यहां से आग ना निकलेगी ना कुछ बनने की कुछ अपने आप को दिखाने की तब तक तो कुछ नहीं हो सकता एक आग जल गई ना फिर अपने आप शेड्यूल बनेंगे अपने आप सारा काम होगा ये देखो तो सही हम जिस एनवायरमेंट में रह रहे हैं जिस प्रकृति में रह रहे हैं कितनी सुंदर व्यवस्था है एयरपोर्ट पे गए हो आप ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन होती है कीमत डालिए जो मर्जी सामान निकाल लीजिए मॉल में जाते हैं कीमत दीजिए है, जो मर्जी सामान खरीद कर ले आइए पांच लाख दोगे तो छोटी कार आएगी पचास लाख दोगे तो बड़ी आएगी पांच करोड़ दोगे तो कुछ और ही आएगा नहीं जो जैसी कीमत देता है वैसा सामान लेकर तुरंत आ जाता है इंस्टेंट डिलीवरी है घर पर भी मिल जाता है आजकल तो ये सीए की डिग्री भी वैसी आई जितनी मेहनत डालोगे जो डालोगे वो निकाल लोगे सीधी सी बात मेहनत कम करोगे तो बीकॉम की डिग्री मिलती है सीए की डिग्री चाहिए चाहिए मर्सिडीज लेकिन लेके घूम रहे हो पांच लाख रुपए कुछ नहीं होगा भाई एक करोड़ चाहिए तो एक करोड़ इकट्ठा कर, कर लो कमा लो मेहनत कर लो फिर मर्सिडीज का ख्वाब देखना और मर्सिडीज खरीदने के लिए चल ही दिए हो तो फिर टाल मटोल क्यों या तो इस कोर्स में आते मत आ गए हो ना या लौट के मत जाना लौट के मत जाना या तो कोई काम करने के लिए निकलो मत अगर मम्मा ने भेजा ना बेटा दूध लेके आ तो एक दुकान पर ना मिले दूसरी पे दूसरे पर ना मिले तीसरी पे चाहे पूरा शहर छान के मानना पड़े लेकिन दूध आना चाहिए समझ में आ रही बात क्या कह रहा हूं मैं कि जिस काम को करने के लिए निकले हो वो काम पूरा नहीं हुआ तो बेकार यार सब बेकार पानी पीना है प्याज बुझाने कुआ खोदना ही पड़ेगा यार कहीं दूसरे से मांगोगे तो वो चोरी है खुद कुआ खोदिए और पानी पीजिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रकृति बहुत शानदार है जो चाहिए वो मिलेगा बस कीमत आपको अदा करनी पड़ेगी और मैं जानता हूं कि आप ये कीमत जरूर जरूर अदा करेंगे राधा रानी कृपा पर सदा सदा यू ही बनी रहे थैंक यू सो मच बाय है और